किया, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को तो आपको पता लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है। लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है। अरेंज मैरिज में सुविधा उपलब्ध नहीं है, पता नहीं किसके मत्थे लग जाए। आजकल तो यही सिस्टम चल रहा है ऐसा। आविष्कार कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आविष्कार कर रहे हैं। नहीं मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, जज साहब को देख करके मुझे याद आएगा, फैमिली कोर्ट में केस चला गया। केस चला गया तो जज साहब ने कहा काय का केस है? बोले जी कि हमारा तलाक चाहते हैं हम, 3 साल से हम लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो जज का माथा खराब हो गया, बोले कि 3 साल से आप लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं, आपका बेटा तो 2 साल का है। तो महिला बोली जी कभी कभी ये सॉरी बोलने आ जाते थे। तो आदमी जो है वो कभी कभी सॉरी बोलने चला जाता है, उसके अच्छे परिणाम होते हैं। किसी से आप सॉरी बोल के देखिए, परिणाम हमेशा अच्छे आएंगे। तो अपना देश तो अद्भुत ही है साहब, जहाँ कहीं चले जाइए वहीं हाथ से बिखरा पड़ा है। और मैं आपको बनारस की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे होटल में रुका हुआ है, इमरान भाई ने बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ खाना पीना बहुत अच्छा है। आने के बाद मैं टहल रहा था तो यहीं चौक पर चला गया, यहाँ पे एक अम्मा जी बैठी थी, तो एक आतंकवादी एक नकली बम रख गया, आतंकवादी भी नकली था। तो मैंने दूर से चीख कर कहा अम्मा बम है? बोली बेटा बम तो मैं जवानी में थी। मैंने कहा तेरे पास में बम रखा है? इतना सुनना था कि बम खुद ही अपने पैरों से जाकर के तालिबान में जाकर फटा। आजकल मामला अद्भुत है, कहीं पर भी चले जाइए साहब, भारत और देश की तो बात ही नहीं होती है। हर जगह पे आदमी जो है मजहबी उन्माद में लगा है, लेकिन यहाँ पर जब मैं हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि नए भारत का उदय अगर कहीं से होगा तो यहीं से होगा। यहाँ पर तो ये मसला ही नहीं है कि हम लोग आपस में बैठकर एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ खिलखिला रहे हैं, यही हमारी जीत है, यही हमारी ताकत है, जिसको राजनीति तोड़ना चाहती है, लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि इसे टूटने ना दें। हमारे हिंदुस्तान में मैं आपको बताऊं, मैं हिंदू परिवार से हूं, मेरा बहुत बड़ा पूजा घर है, मेरे पूरा पूजा घर की एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमारे जो चचा आते थे पड़ोस में उन्होंने ना बनाया हो। उनके हाथ में ऐसा हुनर था, बहुत बढ़िया कारीगर थे, वो बनाते थे। अब उनकी बनाई हुई चीज़ में मैं आरती कर रहा हूँ, तो निश्चित सी बात है कि उसमें जो कुछ भी कपूर की खुशबुओं में दुआएं होंगी वो उन तक भी पहुँचती होगी, क्योंकि जब मैं पूजा में बैठता हूँ तो वो याद आ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है, इसलिए हिंदुस्तान को बचाए रखिए, और ये सब आप लोग कर सकते हैं। मैं आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस में 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का महोत्सव पूरे साल भर अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। और आज़ादी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है हमारे देश की। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा विकास विकास विकास। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं कवि सम्मेलनों का कवि हूँ, जिसमें खूब कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, लेकिन अगर मैं दुबई के मुशायरे में भी बुलाया जाता हूँ, बहरीन के मुशायरे में भी बुलाया जाता हूँ, या यहाँ पर कौमी एकता का गंगा जमनी तहजीब का मंच है इस पर भी बुलाया जाता हूँ, तो इसका एक ही अर्थ है कि राजनेताओं के पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में अपनी बात कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं वही बात करूँगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। 4 लाइनें पढ़ता हूँ, बनारस में पढ़ रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा दाद चाहिए आप लोगों से। कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल, रोशनी पे जाल मोटा माल चलते रहे। हो सकता है आप में से कोई कहे कि यार तुम हमारे बीच में आकर हमारी जैसी बात कर रहे हो, तो आपको बता दूं पोएटिक अड्डा का यहाँ पे ये लगा हुआ है कैमरा, और जैसा कि दमदार ने बताया कि 15 करोड़ लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो ये आप लोग तो यहाँ पे 150-200 लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाले दुनिया की आबादी का लगभग 2-4% लोग होते हैं, और भारत की आबादी का 10% से अधिक लोग जो हमें सुन रहे होते हैं। तो अपनी बात हमें बहुत सच्चाई से कहनी चाहिए, और सच्चाई यही है कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल, रोशनी पे जाल मोटा माल चढ़ते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक ओर इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे, और खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। और एक एक आप और सुनिएगा, आपको कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे।
शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, और खुद के गरेवा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। खुद के अच्छी कविता पे अच्छी ताली आनी चाहिए। मैं हास्य व्यंग की बात करूं तो भी ताली उतनी आनी चाहिए। और आपको मैं देखिए, हंसाना तो 2 मिनट का काम है, सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों पेट्रोल क्या महंगा हो रहा है सब, और उसी महंगाई के हिसाब से आपको 4 लाइन सुनाता हूँ पेट्रोल की महंगाई पे, कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और सुनिएगा, पिछले दिनों मोदी जी 8 नवंबर को आए थे, आते ही पहली बात, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति नाम का आदमी बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस बात पर तो जज साहब भी हंस पड़े। जज साहब मत भूलिए, वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा तो देश ही अद्भुत है। नहीं, सच बता रहा, अपना देश सचमुच मस्त है साहब। आपके भीतर अगर प्यार बांटने की कला हो तो आपको पूरे देश में प्यार मिलेगा, आपको नफरत बांटने की कला हो तो पूरे देश से नफरत मिलेगी। इसलिए अपनी अपनी इस पूरे दुनिया जो है ना, इसको एक वरदान है। इसमें इसका वरदान यही है कि जो आप देते हैं उसका रिसीविंग 100 times 1000 times बढ़कर आपको मिलता है। इसलिए अगर आपको जीवन में किसी को लग रहा हो कि उसको जीवन में प्यार नहीं मिला, प्यार बांटना शुरू करिए। आपको इतना प्यार मिलेगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसे, सच बात है। ये देखिए ना, यहाँ पे रमजान भाई सारे कवियों को बुलाकर, शायरों को बुलाकर, दमदार बनारसी इमरान भाई, ये लग हम सब में प्यार बांट रहे हैं। वो प्यार लिफाफे के शक्ल में होगा, लेकिन ईश्वर आपको, नहीं सच में हम तो जानते हैं, वो सब सारा प्यार वो पैकेट में बंद होगा, कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद वो देंगे। हम लोग भी बड़ा खुश होंगे कि वाह क्या मिला है। तो ऐसे ही प्यार बढ़ता है, ऐसे प्यार आप लोग भी बांट सकते हैं, हम कोई बुरा भी नहीं मानेगा। और ऐसा ही प्यार अगर देश भर में बढ़ता रहे तो देश अपना कमाल है। 4 लाइनें सुनिए, बिल्कुल एक अद्भुत सी लाइनें, कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला। और मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में जो अद्भुत घटना घटी, एक दिन मैं घर से बेसन लेने गया लॉकडाउन में, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडा लेकर के वो हमारा इंतजार कर रही थी। तो ये तो कमाल था। और कोरोना में तो और भी कमाल हुआ साहब, घर पे बैठे हुए जब 6 महीने हो गए, कोरोना की न्यूज चल रही थी टीवी में, अखबार में भी वही, तो पत्नी बोली मेरी तरफ देखते हुए, अखबार हाथ में था टीवी चल रहा था, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। बहुत देर तक मुझे समझ में नहीं आया वो कोरोना की बात कर रही है या हमें जो 6 महीने से हम घर में बंद है। तो मामला सचमुच अद्भुत है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।